सो गंगा आरती के लिए आज हम लोग निकल चुके हैं। ये फाइनल हम लोग पहुंच जाते हैं त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश रिचुअल्स के लिए बहुत फेमस है। बट हम आए थे यहाँ एडवेंचर के लिए, तो सोचा कि लास्ट में ये वाला तो बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि ये वाली आरती मिस करना मतलब ऋषिकेश आने का मतलब ही नहीं है, है ना। तो इसलिए हमारा लास्ट डे था, तो हमने कहा चलो थोड़ी सी भक्ति दिखा ली जाए और यहाँ हम गंगा आरती पे आ जाते हैं। और यहाँ पे आके आपको इतना अच्छा फील होगा ना, हम लोगों को इतना अच्छा लग रहा था यहाँ। हम थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि उस दिन हम लोग, है ना, लास्ट ब्लॉग में आपको पता ही चल गया होगा कहाँ कहाँ गए थे हम, तो उस दिन हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो हमने फिर भी हम लोग पहुँच गए थे आरती के टाइम पे, मतलब ख़त्म नहीं हुई थी, थे अभी स्टार्ट हुए 10 मिनट हो चुके थे। और देख रहे हो आप भीड़, मतलब बिल्कुल खड़े होने की जगह ही नहीं थी। वो तो फिर भी हमने ऊपर चढ़ वढ़ के वीडियो बना रहे हैं ये वाली, तो आप गंगा आरती का मज़ा लो कुछ देर तक, अपने रिचुअल्स को याद करो यहाँ पे आके आपको। और इतनी तेज़ हवा होती है ना यहाँ की ठंडी, और ये सुनहरा सा मौसम ही शाम का, जिससे ही अद्भुत है। अगर आप ऋषिकेश आओ तो ये आरती तो बिल्कुल मिस मत करना। अगर 2 दिन का ट्रिप है तो एक टाइम इसको भी ज़रूर देना। तो चलो अब थोड़ा सा आरती को हम इंजॉय करते हैं। आरती को हम लोग इंजॉय कर ही रहे थे, लेकिन मेरे को तो जगह ही नहीं मिली थी, इसलिए देख रही हूँ मैं देखो कितनी पीछे खड़ी हुई हूँ। बस यहाँ से मैं इंजॉय कर रही थी क्योंकि आगे जाने की बिल्कुल स्पेस ही नहीं बचती है, मतलब तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ से ही सही, अब क्या करें। एटलीस्ट आरती इंजॉय करनी थी तो हमें कहीं ना कहीं जाने का, फिर भी मैं रास्ता खोज रही थी कहीं ना कहीं हमें मिल जाए, तो ये आगे पहुँच जाती हूँ। अभी एंड में तो और अच्छा है, यहाँ पे सबसे अच्छा ये है कि आरती के बाद भी आपको बहुत अच्छा ऐसे मतलब सॉन्ग चलते हैं, भगवान जी के गाने भजन चलते हैं, जिस पर आप बहुत अच्छे से उनको याद करके नाच सकते हो, तो वो भी अब हम करेंगे। उससे पहले हमने जैसे भी अगर हमारा दूसरा था तो हम स्पेस ढूंढ रहे थे कहीं से हमें स्पेस मिल जाए, तो आप देख ही रहे हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है।
गंगा आरती खत्म होने के बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाती है कि आप आरती ले सकते हो, उसके बाद आपको ये गंगा जल का छिड़काव मिलेगा। तो इतना आगे आप खड़े होना कि ये गंगा जल आपके ऊपर आ पाए, शुद्ध माना जाता है। सो उसके बाद आप आरती ले सकते हो, आरती के बाद आपको प्रसाद मिलेगा। यहाँ पे मैं आरती ले लेती हूँ। अच्छा है, मतलब सबको एक एक करके आरती दी जाती है, तो इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे कितने भी पीछे हो, आरती आपको मिल ही जाएगी। उसके बाद हमें ये प्रसाद और फूल दोनों मिल जाता है। तो ये फूल जो आपको मिलेंगे, ये आपको पानी में भरे होते हैं। सो हम लोग स्पेस ढूंढ रहे थे, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं। ये एक कटोरा 20 रुपए का आपको मिल जाएगा, जिसमें फ्लावर होंगे और अगरबत्ती होगी और दिया होगा। ये आपको जला के आप अपनी मन्नत मांग के या जो भी है इसको आप कर सकते हो। तो ये अब वहाँ पर जाके अगर हमने ये भी नहीं किया तो क्या ही किया। फिर हम लोग ये वहाँ पर इतनी तेज़ हवा थी कि हवा है ना कि वो जल ही नहीं रहा है। फिर भी हम लोगों ने बहुत कोशिश करके इसको जला ही लिया एट दी एंड। अभी हमारी दिल्ली ये शायद ही जल नहीं रही, चलो जल गई। अभी जो बता रहा हूँ जो इसको जाएंगे और अपनी एक प्यारी सी मन्नत के साथ इसको, ये फूलों को आपको थोड़ा सा डालना है जल में, उसके बाद इसको बाहर देना है। और सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, वो मतलब लड़के जो छोटे पैसे लूटते हैं, वो इसको पूरा आगे तक ऐसे बहा देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी है। सो आप ये गंगा जल अपने ऊपर छिड़क के अपने आप शुद्ध कर सकते हो, और जितने आपने पाप किए यहाँ के आप धो सकते हो। सो मैंने पाप नहीं किया था, इसलिए मैं नहाने में नहीं नहाई, मैं थोड़े बहुत पाप थे वो धो लिए थे मैंने ऐसे जल छिड़क के। सो हमने सोचा कि अब इसकी एक अच्छी सी वीडियो बनाते। सो लेकिन खैर वीडियो इतना नहीं बन पा रही थी, क्योंकि मौसम तो अच्छा था लेकिन इतना अच्छा वो नहीं था ना। सो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, पानी अभी भी इतना ठंडा है ना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे। सो मेरी हो गई थी बारी पूरी, तो अब इनको भी अपने पाप धुलने थे, तो ये भी पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे अपने गंगा जल में हाथ वाथ धो के और अपने गंगा जल धो के शुद्धिकरण करते हैं। जितने पाप किए होते हैं सारे धुल जाते हैं, तो गंगा माता का इनको शुद्ध करे। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये पंडित जी बहुत व्यस्त चल रहे थे आज, इनकी इतने ज़्यादा कमाई हो गई थी ना, फिर ये एकदम भूल ही गए। पर इतनी तेज़ हवा थी कि अभी इनके पैसे भी होने वाले। सो पहले ये आपको टीका लगा देंगे उनको अच्छे से, और आप जाओ तो ये टीका ज़रूर लगवाना, क्योंकि ये लगा के असली लगता है कि आप वापस गए। टीका हम लोग लगवा लेते हैं बारी बारी। यहाँ पर आपको प्रसाद भी देंगे और ये इनके पैसे उड़ जाते हैं, तो फिर इनके पैसे उठा ले फिर पंडित जी को जल्दी इन्होंने जेब में रख लिए। यहाँ पे आपको देखिए फूल और ये कहीं कि स्पेशली दूंगा जी को उठा देना। अब की बारी इन फिर से ये यहाँ पे तिलक लगवा लेते हैं हम। पंडित जी जो हम दोनों को फूल देते हैं, तो ये फिर से हमें पानी में बहाना होता है, तो इसलिए हम चले जाते हैं इसको अपनी मन्नत के साथ प्यार से पानी में बहा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको चप्पल रखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा इसके अपोजिट साइड में। और यहाँ पे आपको आरती के बाद बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा आपको सुनाई दे ही रहा होगा, मतलब इतना अच्छा साउंड है यहाँ पे। सब एकदम मस्ती में मगन थे, भक्ति में लीन एकदम, मतलब बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ का। हम लोग को तो बहुत इंजॉय आया था। फिर यस तो हम भी इनकी टोली में शामिल हो जाते हैं और पूरा पूरा मज़ा लेते हैं। बिल्कुल भी हमारी वीडियो स्किप ना करें। ये देखो आज आपको सबका असली रूप दिखेगा, और ये देख रहे हो कितने खुश है एकदम, वो मुझसे ज़्यादा भक्ति, मुझे तो देख के ही दंग रह गई थी ना। लेकिन खैर मुझसे ज़्यादा भक्ति होनी भी चाहिए लोगों में, क्योंकि मेरे अंदर भक्ति थोड़ी कम है। सो ये देख रहे हो आप, ये आपके जो मतलब हमारे पार्टनर जो हैं कितने मस्त तरीके से झूम रहे, एकदम लीन हो के भक्ति में, जैसे आज तो सारी भक्ति दिख ही जाएगी। मैं चुपके से वीडियो बना रही हूँ लेकिन खैर बाद में पकड़ी जाती हूँ। ये देख रहे हो आप, मतलब
खैर यहाँ पे असली दिखी जाता है कौन, इतनी मस्ती में एकदम झूम रहे हैं। सो बहुत मज़ा अच्छा लग रहा था ये देख के। सो आप भी अगर ऐसी मस्ती इंजॉय करना चाहते हो तो ये त्रिवेणी घाट आप ज़रूर आएँ, और आरती के टाइम आप आ जाना इवनिंग में, ये 6 बजे के आसपास होती है। सो बिल्कुल भी स्किप ना करें त्रिवेणी घाट। अगर आप देखो तो रामझूला से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब आपको 15-20 मिनट लगेंगे अगर आप स्कूटी से आते हो तो, है ना। तो रामझूला से आप बहुत आराम से आ सकते हो, आप टाइम से निकलोगे तो टाइम से आप पहुँच जाओगे। ये यहाँ पे मैं किसी को खोज रही थी, मतलब मैं एक को देखना था कि एट दी सेंटर में कौन है, लेकिन हमें वो सेंटर में मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो इसलिए मैं उनके चक्कर में थी। फिर मैंने कहा छोड़ो अब मुझे नहीं दिखेगी, क्योंकि मेरी हाइट छोटी है ना, तो मतलब मैं इतने सारे लोगों के आगे कैसे दिखेगा, इसलिए मैं ये इनके साथ ही मैं इनके ग्रुप में शामिल हो जाती हूँ और बस अपनी मस्ती में लीन और ये पूरा इन्जॉयमेंट के साथ। अभी अंकल जी को जाना है आगे, तो इनको आगे भेज के फिर हम लग जाते हैं अपनी व्यक्ति में। ये यहाँ के जयकारे और ये सारी चीज़ें, मतलब फाइनली अच्छा लग रहा था कि ऋषिकेश आके अब हमारा फाइनली पूरा हुआ है आना, मतलब ये वाली अगर हम शायद ये मिस करते थे हमारा ऋषिकेश का ट्रिप हमें अधूरा अधूरा लगता, तो ये हमने ज़रूर रखा था। इसकी टाइमिंग वगैरह पता करनी थी हमें, डिस्टेंस पता करना था जहाँ स्टे कर रहे थे, इस वजह से हमने इसको एट दी एंड रखा। पर यस अब आप बिल्कुल भी सो और हमारी वीडियो को आपने पूरा ऋषिकेश का ट्रिप इंजॉय कर ही लिया है हमारे साथ, तो आप बिल्कुल ना भूलें। अब इसके बाद भी हम आपको एक ऐसा सरप्राइज़ देने वाले हैं, ऐसी लोकेशन जिसको आप दिल्ली में भी इंजॉय कर सकते हो एज ऋषिकेश, जैसे हम यहाँ पे गंगा आरती इंजॉय कर रहे हैं उसी को अब हम दिखाने वाले हैं आपको कि दिल्ली में भी एक ऐसी जगह है जहाँ आप गंगा आरती इंजॉय कर सकते हो। सो आप यहाँ बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट व्लॉग के लिए बहुत एक्साइटेड। और ऋषिकेश की सारी मस्ती आपने कर ली हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट में हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। सो एट दी एंड ये प्रसाद हम कभी नहीं छोड़ते हैं कहीं का भी, तो यहाँ भी हम एट दी एंड अपना प्रसाद ले लेते हैं क्योंकि अब थोड़ा सा ही प्रसाद प्रसाद है। ये एरिया है बाहर का। यहाँ पे होती है हमारे ऋषिकेश की एंडिंग, ये रहा हमारा पैकिंग सामान, और अब हम मिलेंगे आपको एक नए सफर पे, एक नई जगह के साथ और एक नई जगह हम आपको जरूर घुमाएंगे। तो चलते हैं, गेट बैक टू दिल्ली।